वजीर आजम ने जब आपको कहा, पूरा मुल्क खामोश था, सांस सूंघ गया था पूरे मुल्क को, मुसलमानों की सियासत का ठेका लेने वाले, और मैं तो कहता हूं बहुत सी बातों का ठेका लेने वाले लोग बिल्कुल खामोश हो गए, और किसी ने मोदी जी के इस गंदी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने दिया जवाब, जब उन्होंने कहा तब जवाब दिया, जब उन्होंने कहा तब जवाब दिया, और जब साध्वी ने कहा मैंने तब जवाब दिया। और मैं आज आपके सामने, मैं पार्लियामेंट का चुनाव, मैं पार्लियामेंट का चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि फैशिस्ट ताकतों को यह एहसास होना चाहिए कि सब कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। यहां आए थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिनका बड़ा सा सर है, उन्होंने मुझे आकर यहां गुंडा कहा था, याद होगा आपको, जब मैंने कहा था अगर मैं गुंडा हूं तो तू महागुंडा है क्योंकि तेरा बहुत बड़ा सर। हमने फिर पूछा है उनसे कि दो दिन पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोदी जी अगर चुनकर आ जाएंगे तो हमारा बड़ा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा पाकिस्तान का? क्या अंदरूनी समझौता है आपका मोदी जी? आपको बताना चाहिए, क्योंकि हमारे फौजी मारे गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान का वजीर आजम आपके दोबारा चुनके आने की दुआ और उम्मीद कर रहा है। बताइए आपका क्या अंदर से समझौता है, क्या चीज है जो आपके और उसके बीच में है? क्यों आप बेगुनाह फौजियों को मरवा रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए इन 5 सालों में मरने वाले फौजियों की तादाद 5 गुना बढ़ गई है। इन 5 साल में मरने वाले कश्मीरियों की तादाद 5 गुना बढ़ गई है। इन 5 साल में जिन लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं उनकी तादाद 5 गुना बढ़ गई है। इन हालात में, इन बुरे हालात में जंग होती है सरहद पर, गद्दारी का सर्टिफिकेट बनता है मुसलमानों को। सारा दिन मोदी जी आप पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके सिवा कोई जाति नहीं है। पाकिस्तान और मुसलमान, योगी जी आपने बजरंग बली को क्या बना दिया? दलित। सारे लोग नाराज हो गए आपसे। फिर आपके एमपी ने कहा कि नहीं वो दलित नहीं थे, तो जाट थे। हमारे मनवीर जी कारा नाराज हो गए। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो ठाकुर थे, भाई हमसे क्या मतलब, बहुत अच्छी बात है। फिर किसी ने कहा नहीं वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो श्रीलंका के थे। फिर एक साहब ने कहा, एमएलसी ने, इनके एक खुक्कर नवाब है कि साहब वो मुसलमान थे। अरे लोग तो झगड़े खत्म हो गए भाई, तो फिर बजरंग जी कहां रहे? अली और बजरंग मिला के मैंने नारा लगवाया, बजरंग अली, जोड़ दो दुश्मन की नली।